नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे मेरे कलेक्शन के 1 रुपये के बैंक नोट्स के बारे में। स्वतंत्र भारत का पहला 1 रुपये का नोट यह था, और जैसा कि आप जानते हैं कि बस 1 रुपये का ही नोट ऐसा नोट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है, बाकी के सारे भारतीय नोट RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है, और इन 1 रुपये के नोटों के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर हुआ करते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखा है जहां से आपको अब तक के सारे फाइनेंस सेक्रेटरीज और उनके टेन्योर्स के बारे में जानकारी हासिल होगी। यह नोट 1949 यानी 1949 से लेकर 1950 यानी 1950 तक इशू किया जाता रहा। फिर से ये नोट 1957 यानी 1957 में जारी किया गया था। ये नोट दो फाइनेंस सेक्रेटरीज के सिग्नेचर्स के साथ में पाए जाते हैं, बेनेगल रामाराव और KG अंबेगांवकर। नोट के सामने की ओर दाहिनी तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ था और बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बनी हुई थी जिस पर अशोक स्तंभ का वाटरमार्क था। चूंकि इस समय 1 रुपये का सिक्का जारी नहीं किया गया था, इसलिए यही एकमात्र 1 रुपये का नोट है जिस पर 1 रुपये की सिक्के की तस्वीर बनी हुई नहीं है। ये नोट साइज में 101x63 mm का था। 1 रुपये का दूसरा नोट पिछले नोट जैसा ही डिज़ाइन में था, पर इसका रंग पर्पल बेस था और पिछले नोट का रंग ग्रीन बेस था। ये नोट भी बेनेगल रामाराव और KG अंबेगांवकर के सिग्नेचर्स के साथ में पाए जाते हैं। इस नोट पर 1 रुपये के सिक्के की तस्वीर बनी हुई थी। ये नोट भी साइज में 101x63 mm का था, और यह नोट 1951 यानी 1951 और 1957 यानी 1957 में इशू किया गया था। 1 रुपये के नोटों के बीच में रंगों के अलावा और कोई भी अंतर नहीं था, और ये बिल्कुल एक जैसा ही दिखने में और डिज़ाइन में बना हुआ था। ये नोट भी 1951 यानी 1951 से लेकर 1957 यानी 1957 तक इशू किया जाता रहा, और ये नोट KG अंबेगांवकर के सिग्नेचर्स के साथ में पाए जाते हैं। चौथा 1 रुपये का नोट 1957 यानी 1957 से लेकर 1965 तक इशू किया जाता रहा, और ये नोट अलग अलग समय पर अलग अलग फाइनेंस सेक्रेटरीज के सिग्नेचर्स के साथ में इशू किया गया था। नोट के सामने की ओर दाहिनी तरफ 1 रुपये के सिक्के के रिवर्स का तस्वीर बना हुआ था, और नोट की बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बनी हुई थी जिस पर अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी। नोट की बाईं तरफ नीचे की ओर नोट का सीरियल नंबर लिखा हुआ था, और दाहिनी तरफ फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स थे। नोट के पिछले भाग में 1 रुपये के सिक्के के सामने की तस्वीर बनी हुई थी, और विभिन्न भारतीय भाषाओं में 1 रुपया लिखा हुआ था। इस नोट की भी साइज 101x63 mm की थी। भारत का पांचवा 1 रुपये का नोट महात्मा गांधी के जन्म के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 1969 में इशू किया गया था, और इस नोट के सामने की ओर दाहिनी तरफ उस 1 रुपये के सिक्के की तस्वीर बनी हुई थी जो इस नोट के साथ में इशू किया गया था। नोट के बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बनी हुई थी जिस पर अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी। नोट के निचले भाग में बाईं तरफ सीरियल नंबर और दाहिनी तरफ फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स थे। ये नोट IG पटेल के सिग्नेचर्स के साथ में इशू किए गए थे। नोट के पिछले भाग में 1 रुपये का सिक्के की तस्वीर और विभिन्न भारतीय भाषाओं में 1 रुपया लिखा हुआ था, और इस नोट की साइज थी 96x64 mm। 1 रुपये का अगला नोट 1966 से लेकर 1980 यानी 1980 तक इशू किया जाता रहा। इस नोट की साइज 96x64 mm की थी, और सामने की ओर 1 रुपये का सिक्के की तस्वीर बनी हुई थी, और दाहिनी तरफ ही सीरियल नंबर और फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स थे। ये नोट मेरे पास LK झा के सिग्नेचर्स के साथ में है। नोट के पिछले भाग में 1 रुपये के सिक्के की तस्वीर बनी हुई थी, 1 रुपया लिखा हुआ था, और विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी 1 रुपया लिखा हुआ था। अगला 1 रुपये का नोट 1981 यानी 1981 से लेकर 1994 यानी 1994 तक इशू किया जाता रहा। ये नोट अलग अलग समय पर अलग अलग फाइनेंस सेक्रेटरीज के सिग्नेचर्स के साथ में जारी किया जाता रहा। नोट के सामने की ओर दाहिनी तरफ 1 रुपये के सिक्के का वो भाग दिखाया गया था जिस पर अशोक स्तंभ बना हुआ था, और बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बनी हुई थी जिस पर अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी। बाईं तरफ निचले भाग में 1 रुपी लिखा हुआ था, और दाहिनी तरफ सीरियल नंबर लिखा हुआ था और फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स थे। नोट के पिछले भाग में
मुंबई के तट पर स्थित सागर सम्राट ऑयल एक्सप्लोरेशन प्लेटफॉर्म की तस्वीर बनी हुई थी और बाईं तरफ विभिन्न भारतीय भाषाओं में 1 रुपया लिखा हुआ था। इस नोट की भी साइज 96x64 mm की थी। अब तक का सबसे नया 1 रुपये का नोट 2015 से लेकर अब तक जारी किया जाता रहा है और इस नोट की साइज 97x63 mm की थी। ये नोट अलग अलग समय पर अलग अलग फाइनेंस सेक्रेटरीज के सिग्नेचर्स के साथ में जारी किया जाता रहा। नोट के सामने की ओर दाहिनी तरफ 1 रुपये के सिक्के की तस्वीर बनी हुई थी और सिक्के का वो भाग दर्शाया गया था जिस पर अशोक स्तंभ बना हुआ था। नोट की बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बनी हुई थी जिस पर अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी। बाईं तरफ नीचे की ओर 1 रुपये लिखा हुआ था और दाहिनी तरफ सीरियल नंबर लिखा हुआ था। नोट के पिछले भाग में मुंबई तट पर स्थित सागर सम्राट ऑयल एक्सप्लोरेशन प्लेटफॉर्म की तस्वीर बनी हुई थी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में 1 रुपया लिखा हुआ था। इस नोट पर नोट के इशू किए हुए वर्ष को दर्शाया गया था और ये नोट 2011 में इशू किए गए रुपी सिंबल के साथ में जारी किया गया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।